हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स का 6.6 एक्सरसाइज का, और जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसका थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको 10th क्लास के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और कई इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी मिलेंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है इस 6.6 का। ये अच्छा क्वेश्चन है, बोला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी ये आ सकता है क्योंकि ये तो सिंपल पीजीटी से चलता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें बोला है कि ये जो डायग्राम बना रखा है, एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बना रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री डाल रखा है, ए बी सी ये बाहर है। जैसे राइट ट्रायंगल में पीजीटी लगती है, वैसे ऑब्ट्यूस के अंदर ये इक्वेशन भी लगा सकते हैं, ये इक्वेशन लगती है ऑब्ट्यूस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर है ए सी स्क्वायर, ये बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम प्लस, अगर इतना ही लगता तो ये तो पीजीटी वाले जैसे दिखता है ना, इतना सा तो ये पीजीटी वाला जैसा दिखता है। अब साथ में कुछ और भी आता है क्योंकि ये तो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है ना, तो प्लस यहाँ पे कुछ आ जाएगा, वो कितना है, बी सी इंटू बी टी, बी सी इंटू बी टी, ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी टी, ये भी आ जाता है। इसको देखो ये कैसे प्रूव करते हैं, पीजीटी से करेंगे इसका प्रूफ हम, ठीक है। बोला है कि ये ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है और ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कहाँ, ये क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आ सकता। ये ए सी स्क्वायर ये यहाँ पर है, ए बी स्क्वायर ये यहाँ पर है, बी सी स्क्वायर ये यहाँ नीचे की तरफ है ना, तो ये है काम की चीज़ें। देखो स्पॉट करो है ना, ये चीज़ें पता करो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी और हम क्या चाहते हैं। बी सी ये फिर से वहाँ पर है, बी डी ये लेंथ है, देखो ये सब आ रहे हैं, तो देखो आ कौन नहीं रहा, एक तो ए डी नहीं आ रहा और एक डी सी नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब ये ए डी और डी सी आएंगे तो हम इनको हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ से। पहली चीज़ तो साफ साफ दिख रहा है ये पीजीटी से होगा क्योंकि स्क्वायर 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 सब पीजीटी में आते हैं, तो हम पीजीटी लगाते हैं। अब कितने ट्राइंगल्स में पीजीटी लगा, यहाँ पे कितने ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है जिनमें पीजीटी लग सकती है, एक तो एडीबी और एक एडीसी, तो हम दोनों में बारी बारी से लगा लेते हैं। पहले बड़े वाले में लगा लेते हैं, इन ट्राइंगल एडीसी, क्या बोलेंगे इसमें, एडीसी के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन है, एसी, तो क्या बनेगा, एसी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन वन। दूसरा इन ट्राइंगल, जब आपको कोई हिंट नहीं मिल रहा ना तो एक बार सबके अंदर पी जी टी लगा के रख लो, फिर देखेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे सब चीज़ों को। फिर ए डी सी के बाद में कौन आ गया, ए डी बी, ए डी बी, तो ए डी बी का क्या बोलेंगे हम, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब देखो इसके अंदर ए डी नहीं आ रहा ना, लेकिन ए डी तो इन दोनों के अंदर आ रहा है, मतलब ये जो है ये परपेंडिकुलर है तो दोनों के अंदर आ रहा है, तो हम इनमें से ए डी को अभी से हटाने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है, अभी से शुरुआत कर लेंगे, तो दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, क्या बोलेंगे, बाय इक्वेशन वन माइनस टू, इक्वेशन वन में से टू को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, ये ए डी स्क्वायर कट गया, यहाँ पर बचा क्या है इधर, अच्छा ये ए डी नहीं आएगा, यहाँ पर ए बी आएगा ना यार, यहाँ पर क्या आएगा, ए बी, ए डी बी का हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर आएगा, इधर इसमें से ये माइनस होगा तो क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, डी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, ये बच गया। अभी एल एच एस में बस क्या रहना चाहिए, ए सी स्क्वायर रहना चाहिए, तो इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है, हमें बस इसको यहाँ पे रोक के रखना है, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, तो क्या बनाइए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये नंबर उधर चला गया तो ए बी स्क्वायर, चलो देखो ए बी स्क्वायर भी आने लग गया इधर, फिर क्या है, डी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। अब किस किस चीज़ को कभी नहीं छेड़ना, ए सी स्क्वायर ये आ चुका, इधर आगे देखेंगे तो ए बी स्क्वायर ये भी आ चुका, अब हमें बी सी लाना है और बी डी लाना है, बी सी और बी डी ला के रख देना है, यहाँ पर क्या है, डी सी, डी सी कहाँ पर, ये, अब डी सी को कैसे तोड़े, डी सी को तोड़ देंगे हम, क्या लिखेंगे, डी बी और ये बी सी, ठीक है, डी बी और बी सी का सम लिख देंगे इसको, तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस डी सी की जगह आ गया बी डी प्लस बी सी इसका होल स्क्वायर माइनस, ये देखो डी बी का स्क्वायर, अब डी बी तो ये आ रहा ना बी डी, इसको तो नहीं छेड़ेंगे हम, तो ये आ गया बी डी का स्क्वायर ना, एच टी जी लिख दिया मैंने वापस। अब क्या करना है, बस इस ब्रैकेट को ओपन करना, ओपन करते करते आंसर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस, या ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू दिस इंटू दिस,
टू बी सी इंटू बी डी, ठीक है, टू ए बी आ गया, माइनस माइनस कितना है बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर से ये बी डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो भी बचा वो ये आया कि नहीं आया, ठीक है, तो क्या आ गया फाइनली ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू बी सी इंटू बी डी, ये बन गया अपना जो प्रूव करना चाह रहा था। अब ये इसको ना कई कई तुम याद भी रख सकते हो ना, कई जैसे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे एनटीएसी वगैरह के अंदर, तो ये रिजल्ट डायरेक्ट काम में ले लिया जाता है, ठीक है। हम अब ये इतना याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो फिर पीजीटी तो है अपने पास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में देखो क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर भी सेम ऐसा ही है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर एक साथ याद रख सकते हो, इसमें ऑब्ट्यूस के लिए प्रूव करा गया, इसके अंदर एक्यूट के लिए प्रूव किया जाएगा। यहाँ पर ये एक्यूट एंगल हो गया, यहाँ पे ये ऑब्ट्यूस था, तो ऑब्ट्यूस वाले में यहाँ प्लस आता है और एक्यूट वाले में यहाँ पर देखो क्या आएगा, माइनस आएगा, बाकी और कोई चीज़ में कोई चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो एक बार इसका डायग्राम हम इधर लिख लेते हैं यहाँ पर अपना ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, इस बार ये एक्यूट ट्राइंगल है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ यहाँ पर, और ये पॉइंट हो गया अपना डी पॉइंट हो गया, ठीक है। इस बार गिवन क्या है वो लिखते हैं, गिवन यहाँ पर ये है कि जो एंगल बी है वो लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, वो लेस देन 90 डिग्री है। दूसरी चीज़ गिवन क्या है कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है यहाँ पे, देखो प्रूव क्या करना है वहाँ पे इस टाइप का कुछ था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बीच में, मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस उसमें बी से सी तक गए, बी से डी तक गए, इसमें भी बी से सी तक जाएंगे और बी से डी तक जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी डी, ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। एक्यूट के अंदर यहाँ पर माइनस आ जाता है और कोई चेंज नहीं होता तो देखो वैसे ही हम तरीका लगाएंगे, उसमें क्या किया था, दो बार पीजीटी लगाई फिर सोल्व कर लिया, यहाँ पर भी दो बार पीजीटी लगाएंगे और सोल्व कर लेंगे। अब दो बार पीजीटी वाले ट्रायंगल दिख रहे हैं कौन से हैं, एक तो ये होगा दूसरा ये ट्रायंगल होगा, ठीक है, इनके अंदर पीजीटी लगा लो प्रूफ कौन सा ट्रायंगल है, पहला वाला, पहला उधर वाला बोल देते हैं क्योंकि एसी है ना, एसी उसका वाला है इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी क्या इक्वेशन होगी एडीसी के लिए, एसी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ये आ गया इक्वेशन वन। दूसरा इसमें लगा लेते, इसमें हाइपोटेन्यूज को नहीं है ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर टू। तो अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस क्यों करते हैं पता है, इधर ए डी है इधर ए डी है लेकिन इक्वेशन में ए डी नहीं है जिसमें हम लाना चाहते हैं, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया अच्छा ये दूसरा वाला किसमें बोला, ये दूसरा वाला बोला हमने ट्राइंगल ए बी डी के अंदर, ठीक है, ये ए बी डी में है, ये ए डी सी के अंदर है। इधर कितना बचा माइनस करने पर, इधर बचा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इधर कितना बचा डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये बच गया। अब कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी हटानी है, देखो ए सी स्क्वायर इधर एल एच एस में अकेला कौन है ए सी स्क्वायर, तो इसको रखेंगे इधर, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे। अब ए बी स्क्वायर को वैसे रखना है कि नहीं रखना, यहाँ पर ए बी स्क्वायर आ रहा है तो इसको रखना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डी सी इधर डी सी नहीं आ रहा तो डी सी को चेंज कर देंगे। फिर अब बी डी स्क्वायर यहाँ पर देखो बी डी यहाँ पर आ रहा है तो बी डी आ रहा है ना, तो बी डी स्क्वायर को रखेंगे हम, ठीक है, इसका नाम आ रहा है तो इसको उधर भेज दिया, तो क्या बनाइए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये उधर जाके क्या बन गया ए बी स्क्वायर प्लस उधर से कौन मिलेगा इसको डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये आया। अगली लाइन में देखो क्या लिखेंगे ये आया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर को नहीं छेड़ना प्लस डी सी, डी सी को चेंज करो क्योंकि डी सी तो यहाँ पर नहीं आ रहा। अब इस डी सी को क्या लिख सकते हैं, इस डी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा बड़ा माइनस ये वाला पार्ट है ना, बी सी माइनस बी डी, यही तो है डी सी, तो यहाँ पे क्या आएगा बी सी माइनस बी डी इसका स्क्वायर,
फिर लास्ट में इधर क्या लिख रखा है, माइनस बी टी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, इसका इसका ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू बी सी इंटू बी डी, टू बी सी इंटू बी डी। अच्छा ये लगेगा इसके साथ में, ये लगेगा माइनस बी डी स्क्वायर, तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, ए बी स्क्वायर प्लस इधर बच गया अपना बी सी स्क्वायर माइनस लास्ट में कितना बच गया, टू बी सी इंटू बी डी बच गया, इधर कौन है ए सी स्क्वायर। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव हो गया ये। ठीक है यहाँ पर देखो माइनस में आ गया, एक्यूट वाले ऑप्टिक्स वाले में प्लस में था, इसमें क्या आ गया माइनस में। तो ये रिजल्ट दोनों आप याद रख सकते हो और कैसे किया ये भी पता कर सकते हो, पीजीटी का सीधा सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है पीजीटी का। तो बाकी क्वेश्चंस करते हैं हम अगले लेक्चर्स के अंदर।